होता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई भी परीक्षा पूरी नहीं होती। वहीं गुरु के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और आइए हम नारायण वाजपेयी जी से बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्यों को उनके आगे कैसे अपने जीवन को यापन करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएँ अपनानी चाहिए। जी भाई, गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? आज आदि गुरु शंकराचार्य जी के और व्यास जी का पूजन किया जाता है। शिष्यों को अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव होता है। गुरु को हो जो शिष्य को सतमार्ग में जो अज्ञानता को मिटाए, इसलिए ये सारे शिष्य आज व्यास जी के माध्यम से गुरु व्यास पूजन करने के लिए आते हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साल भर में आज आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मानी गई है और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे जगत के गुरु भगवान कृष्ण है, वही सब पर कृपा करें, वही सब। महाराज, कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य गुरु दीक्षा लेते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो शिष्य जो परेशानी में चलते हैं और उनकी भी जो परेशानी यानी अगर उनको कोई संकट है तो वो गुरु के पास ही आता है। इस संदर्भ में जानकारी, गुरु हमेशा आपकी हमेशा दुख को ही दूर करता है और गुरु वह है जो शिष्य की सुई ना ले, लालच ना हो, जो केवल आपको सतमार्ग में ले जाए, इसलिए गुरु आपको दीक्षा देते हैं। और गुरु जो है ये धर्म के गुरु यानी धर्म के पिता कहलाते हैं, इसलिए पिता के नाते हमेशा पुत्र को एक सतमार्ग में ले जाने का कार्य गुरु करते हैं और गुरु की कृपा से ही ये सारे कार्य संभव हैं। आपको सबसे पहला गुरु जीवन में माँ बाप है और उसके बाद स्त्री के लिए स्वागत स्त्री के पति है और ये जो गुरु है ये जो है धर्म के गुरु कहलाते हैं, इनके द्वारा हमेशा हम आज सतमार्ग प्राप्त होता है, इसलिए गुरु की शरण हमेशा जाना चाहिए। जी, जैसा कि महाराज ने बताया कि बिना गुरु के ज्ञान पूरे ज्ञान अधूरे हैं, जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तो कोई ज्ञान सार्थक नहीं हो सकता। वीरेंद्र सिंह के साथ कैमरा पर्सन सुनील, स्टेट एट वीरेंद्र। आवाज आ रही है ना उसकी?